अभी रिसेंटली लॉकहेड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन और लॉकहेड मार्टिन के इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के साथ फ्यूचर टाइज को मजबूत करने की डिस्कशंस की गई। लॉकहेड मार्टिन द्वारा इंडिया को कई तरह के इक्विपमेंट्स जैसे कि F-21 फाइटर जेट, सिकोर स्काई नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और शोल्डर फायर्ड एंटी आर्मर वेपन्स ऑफर किए गए हैं और लॉकहेड अपने इन प्रोडक्ट्स की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर कर रही है। नाउ लॉकहेड मार्टिन के सीईओ का पीएम मोदी को मिलना इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA प्रोजेक्ट में लॉकहेड मार्टिन का F-21 फाइटर जेट भी एक कंटेंडर है और इसलिए लॉकहेड मार्टिन बाकी कंटेंडर्स की तरह अपने फाइटर को इंडिया को ऑफर करने के लिए काफ़ी उत्सुक है। और हो भी क्यों ना, IAF का 114 एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने का प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्सेस की आज तक की एक्विजिशंस में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 से 25 बिलियन डॉलर्स होने वाली है। देखा जाए तो IAF के 114 MRFA के लिए फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन के रफाइल को एक पोटेंशियल कंटेंडर माना जा रहा है और इसका रीज़न है IAF ऑलरेडी रफाइल्स को ऑपरेट कर रही है और आगे इंडियन नेवी के लिए भी रफाइल्स को प्रक्योर किया जाना है जिसके लिए इंडिया और फ्रांस की डिस्कशंस चल रही हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली डसॉल्ट एविएशन के इंडिया में रफाइल्स और मिराज 2000s के लिए मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटी को सेट करने की प्रोग्रेस भी सामने आई थी जिसके लिए ये फ्रेंच फॉर्म नोएडा के जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लैंड परचेजिंग के प्रोसेस में है और ये ओवरहॉलिंग फैसिलिटी इंडिया के साथ साथ इंडोनेशियन रफाइल्स को भी सर्विस प्रोवाइड करेगी। सो ये एयरक्राफ्ट के प्लस पॉइंट्स के अलावा कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जिसके कारण रफाइल MRFA के लिए एक लीडिंग कॉन्टेंडर है। बट लॉकहेड मार्टिन भी F-21 प्रोग्राम के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन कर चुका है। इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए लॉकहेड मार्टिन IAF के साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी इंडिया में F-21 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करने के लिए रेडी है। इसके अलावा लॉकहेड मार्टिन का टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ करीब 15 साल पुराना जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है टाटा लॉकहेड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर के अंडर C-130J एयरक्राफ्ट्स के एम्पेनेजेस और सेंटर विंग बॉक्सेस की प्रोडक्शन की जाती है जो स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हैं और ये जॉइंट वेंचर C-130J की एम्पेनेजेस असेंबलीज के लिए एक सिंगल ग्लोबल सोर्स है और इस जॉइंट वेंचर में अभी तक C-130J के अराउंड 200 एम्पेनेजेस को प्रोड्यूस और डिलीवर किया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स भी लॉकहेड मार्टिन के ये C-130J सुपर हरक्लीज स्पेशल मिशन ट्रांसपोर्टर्स ऑपरेट करती है और IAF के पास टोटल 12 C-130J हैं जिनको 6-6 के दो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर 2010-11 और 2017 और 2019 में प्रोक्योर किया गया था। लास्ट ईयर लॉकहेड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम्स के बीच एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अंडर फाइटर जेट विंग्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा जिसकी डिलीवरीज 2025 से स्टार्ट होंगी। सो लॉकहेड मार्टिन की इंडिया के साथ ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स इंडिया को अपने F-21 फाइटर की पिचिंग के लिए एक ब्रिज का काम कर सकती हैं। F-21 के डिज़ाइन को देखें तो ये F-16 के लेटेस्ट ब्लॉक 70 वेरिएंट से ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है बट इसमें लॉकहेड मार्टिन के फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 का भी थोड़ा DNA इन्फ्यूज किया गया है और वो है इसमें यूज़ किए गए F-22 और F-35 के एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक एवियोनिक्स। F-21 और F-22 में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो है एयरफ्रेम, वेपन्स कैपेबिलिटी और इंजन। देखा जाए तो F-21 को F-16 का ही एक रीडिज़ाइंड वर्जन माना जाता है बट पावर पंच में F-21 F-16 से आगे है बट F-22 और F-35 से एक स्टेप पीछे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि F-21 के ऑफर के बाद इंडिया लॉकहेड के फिफ्थ जनरेशन F-35 को भी कंसीडर कर सकता है बट इसके लिए ना ही तो इंडियन साइड से कोई इंटरेस्ट शो किया गया है और ना ही USA ने F-35 के लिए इंडिया को कोई ऑफिशियल ऑफर दिया है। अब बात करते हैं MRFA की। अगस्त 2000 में इंडियन एयरफोर्स ने 126 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट के आगे एक प्रस्ताव रखा था जिसको 2004 में डिस्कार्ड कर दिया गया और 2007 में ये डिसीजन लिया गया कि 126 एयरक्राफ्ट्स की एक्विजिशन
सिंगल वेंडर की जगह टेंडरिंग प्रोसेस से होगी और इसी वजह से 126 MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को टेंडर के जरिए एक्वायर करने का डिसीजन लिया गया, जिसको बाद में स्क्रैप करके 2016 में फ्रांस के साथ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के थ्रू ऑफ द शेल्फ 36 रफाइल्स एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके बाद IAF ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करते हुए फ्रेश 114 MRFA की एक्विजिशन का केस तैयार किया और ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI इशू की, जिसके रिस्पांस में 8 कंटेंडर्स सामने आए। बट MRFA में जो हर्डल है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की एक्विजिशन पॉलिसी में चेंजेस किए थे, जिसके अकॉर्डिंग वेंडर को एयरक्राफ्ट की एंटायर फ्लीट की प्रोडक्शन के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करना होगा। बट देखना ये होगा कि MRFA प्रोग्राम में कौन सा वेंडर कितनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। डसॉल्ट एविएशन की बात करें तो डसॉल्ट एविएशन का TOT के लिए कोई पॉजिटिव रिकॉर्ड नहीं है, मतलब डसॉल्ट एविएशन ने रफाइल्स के लिए आज तक किसी कंट्री के साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया है। और 2020 में CAG की रिपोर्ट में ये कहा गया कि टेंडर को क्वालिफाई करने के लिए फॉरेन वेंडर्स ऑफसेट कमिटमेंट्स तो कर देते हैं, बट इन कमिटमेंट्स को पूरे तरीके से फुलफिल करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। इसके अलावा इंडिया के पास रशियन MiG-35 और Sukhoi-35 की भी ऑप्शंस हैं, बट क्योंकि IAF की फाइटर फ्लीट पहले ही रशियन फाइटर से फ्लडेड है, सो इसीलिए एयरफोर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए नई ऑप्शंस की तरफ जाएगी। IAF की अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इंडिया को इंटरिम या एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कुछ फाइटर्स को ऑफ द शेल्फ प्रोक्योर करने की ज़रूरत है, जब तक MRFA कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होता। आत्मनिर्भरता ज़रूरी है, पर जब नेशनल डिफेंस की बात होती है तो वो फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसी इशू से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक इवेंट में वाइस चीफ ऑफ द एयरफोर्स एयर मार्शल AP Singh द्वारा ये कहा गया कि आत्मनिर्भरता नेशन की डिफेंस की कॉस्ट पर नहीं हो सकती। नेशनल डिफेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, और अगर आत्मनिर्भर होना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब DRDO से लेकर DPSUs और प्राइवेट इंडस्ट्री हर कोई साथ चले और वेपन्स और टेक्नोलॉजीज जो हमें चाहिए उसको डेवलप करना होगा, ताकि हम अपने पाथ से डेविएट ना हो सकें। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब नेशनल डिफेंस की बात आती है तो जो सिस्टम्स और वेपन्स हमें चाहिए अगर नहीं मिलते तो कंपल्शंस की वजह से ना चाहते हुए भी हमें डेविएट होना पड़ता है। ये भी कहा गया कि रिक्वायर्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजीज को इंडिया में डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे वो कहते हैं, देर इज़ नो परमानेंट एनिमी और फ्रेंड, द ओनली थिंग परमानेंट इज इंटरेस्ट। मतलब इस जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं है, परमानेंट है तो सबके अपने इंटरेस्ट्स और नीड्स।